तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक लाइफ में, आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। ये तीन चीज़ें अगर पूरा कंट्रोल में है, कभी आपके आंखें खराब नहीं होंगे, किडनी खराब नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा। जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आंखों के नसें भी फट जाती है, फिर एकदम ब्लीडिंग होकर अंधे हो जाते हैं। तो इसलिए चेक कराना बहुत ज़रूरी है। सेव योर आइज। इस प्रकार किडनी डायबिटीज़ में हमारे जो किडनी होते हैं ये एक फिल्टर की तरह है, हमारे खून को वो फिल्टर करके हमारे शरीर की जो गंदगी है वो निकाल देते हैं। जो आवश्यक चीज़ें हैं रखा जा रिटेन करके रखते हैं, अनावश्यक चीज़ों को वो किडनी से फिल्टर होकर निकल जाते हैं। लेकिन किसी को डायबिटीज़ लंबे समय से है और ये डायबिटीज़ में किडनी एक फिल्टर की तरह है, तो लंबे समय से किसी को अगर डायबिटीज़ है तो और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसके ऊपर जैसे एक छलनी है उसके ऊपर खूब प्रेशर दिया जाए तो उसके जो छेद है बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार जब हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड शुगर दोनों है तो हमारे किडनी में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हमारे शरीर की जो प्रोटीन्स हैं जो आवश्यक है वो भी वहाँ लीक होना शुरू हो जाता है। तो यूरिन जब चेक करते हैं देखते हैं प्रोटीन उसमें आ रहा है तो फिर धीरे 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 किडनी फेल हो जाता है, फिर डायलिसिस करो, किडनी ट्रांसप्लांट करो, लाखों रुपया भी जाता है, जान भी जाता है। तो इसलिए डायबिटिक लाइफ में अपने किडनी भी टेस्ट करना चेक करना बहुत ज़रूरी है। किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है तो बताया आपका ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोल करके रखना जरूरी है। साथ साथ कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे किडनी को बर्बाद कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। मोस्टली जो पेन किलर्स हैं, हमारी माताएं हमारे देश में जरा सा कहीं भी थोड़ा सा पेन हुआ सीधा दवाई की दुकान में देंगे, चाहे कहेंगे अरे ये भोबरन गोली देना, तो ये सारा ये गोली देना, तो कुछ भी गोली लेके खाते रहते हैं, चने जैसा खाते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, किडनी खराब हो जाएगा। आपको पेन किलर नहीं लेना है। अगर दर्द है बहुत कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल की गोली लो, क्रोसिन नाम से आता है, सभी को पता है, कालपल क्रोसिन, दिन में तीन बार चार बार भी खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा सहन करो। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक पेन किलर खाएंगे तो किडनी पूरा बर्बाद हो जाएगा। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे किडनी पर बुरा असर होता है। आप कभी भी अपने डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लिखाते हो, किसी भी कारण से बताओ डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज़ है, मेरे किडनी पर असर तो नहीं होगा, ऐसी दवाई तो कोई नहीं है। और साथ साथ कभी भी आप अगर यूरिन देखते हो, चेक करते हो, साल में एक बार तो कम से कम 6 महीने में भी करना चाहिए, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है, आपका यूरिन ठीक है, तो आप अपने खून से यूरिन चेक करके आप जान सकेंगे। कभी भी अगर मान लीजिए आपका यूरिन एकदम डार्क कलर का आ रहा है, जलन हो रहा है पेशाब में, या आपके कमर की तरफ से पीछे साइड में दर्द हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, एकदम कंपन होके ठंडी होके, इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन होने से होता है, तो चेक कराइए, उसका इलाज कराइए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ऊपर तक किडनी तक पहुँच गया इन्फेक्शन, बहुत डायबिटीज़ में यूरिन का इन्फेक्शन माताओं को बहुत जल्दी हो जाता है, और एक बार इन्फेक्शन होता है तो लंबे समय तक ठीक नहीं होता है। नॉर्मल व्यक्ति अगर 5 दिन एंटीबायोटिक खा लेता तो ठीक हो जाता है, लेकिन डायबिटिक लाइफ में 5 दिन नहीं, मैं कहूँगा 2 गुना ज़्यादा समय, 10 दिन मिनिमम 14 दिन तक खाना पड़ता है एंटीबायोटिक तो जाके ठीक होता है। कई लोगों के तो लंबे समय तक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक होता नहीं, सालों तक ठीक नहीं होता है। तो बी केयरफुल, चेक कराना जरूरी है। और ब्लड प्रेशर में जो मेडिसिन है, नॉर्मल व्यक्ति कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाता है, ब्लड प्रेशर की कई प्रकार की मेडिसिन आते हैं, लेकिन डायबिटिक लाइफ में कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपको फायदेमंद है। अगर वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ में भी फायदा होगा। तो इसलिए डॉक्टर साहब को बता के कई ऐसे मेडिसिन है जो सिलेक्टिव है, डायबिटीज़ मरीज को लेना चाहिए, जिससे किडनी आपकी आँखें सब प्रोटेक्ट करके रहेंगे। तो डॉक्टर को बता के सही मेडिसिन लेना आवश्यक है। कई ऐसे दवाइयाँ हैं, ये सब आप वास्तव में आप सभी को ये सब याद नहीं रहेगा, आप अपने डॉक्टर को ही हमेशा बताइए कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज़ है, मेरे किडनी पर असर जैसे ना हो, ऐसे कोई दवाई दीजिएगा। क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका में, बिजी लाइफ में हम सभी जब बहुत पेशेंट आते हैं, हमारे ध्यान आखिर डॉक्टर भी एक मनुष्य होता है। आप मत समझिए कि डॉक्टर है तो एकदम गॉड है, नहीं,
हम भी मनुष्य है, हम भी भूल कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो इसलिए कभी भी आप आते हो बिजी शेड्यूल में, कभी भी हम बाय मिस्टेक भूल हो जाती है, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन आप अगर याद दिलाएंगे तो डेफिनेटली आपको सेफ दवाई हम देंगे ताकि आप सही सलामत रहेंगे। इस प्रकार हमारे मसूड़े पर, दांत पर क्या असर होता है, डायबिटीज़ लाइफ में दांत और मसूड़े बहुत जल्दी अफेक्टेड होते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति का दांत और मसूड़े ऐसे दिखते हैं, लेकिन अगर लाल लाल हो गया, स्पंजी हो गया, जरा सा टच होता है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, वो इन्फेक्शन की निशानी है, जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, फूल जाता है, बदबू आने लगता है, पस निकलने लगता है, और ऐसे पेरियोडोंटाइटिस होकर फिर अंदर डीप तक चला जाता है, डीप रूट एब्सेस हो जाता है, सालों तक फिर ठीक करना मुश्किल है। लेकिन विडंबना यही है कि दांत एक इनसेंसिटिव ऑर्गन है, उसमें जब तक एकदम डीप तक कुछ इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ पेन नहीं होगा, कुछ तकलीफ नहीं होगा, इसलिए लोग केयरलेस रहते हैं। डायबिटीज़ लाइफ में अगर आपके कभी भी दांत में, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, आपका शुगर विल नेवर बी कंट्रोल, नेवर बी कंट्रोल, इसलिए आपका पहले ये ठीक करना ज़रूरी है। और बहुत जल्दी इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं, फूड पार्टिकल्स कुछ ना कुछ जमा होकर रह जाता है, और जर्म्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए बहुत बढ़िया भोज मिल जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं फास्ट, इन्फेक्शन हो जाता है बहुत जल्दी। तो आपको कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करने की आवश्यकता है, रात को सोने से पहले और सवेरे उठते ही 2 बार ब्रश करना जरूरी है। जो यहाँ 2 बार ब्रश करते हैं, हाथ उठाइए, यस, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ, अपने लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भाई बहने नहीं करते हैं, मैं आपको नम्र निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आज से एक लेसन लेके जाइए, करना जरूरी है, नहीं तो एक बार दांत में इन्फेक्शन हुआ ना, बहुत तकलीफ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो जर्म्स हैं वो हमारे लार के जरिए से अंदर जाते हैं, पेट में, हमारी आंतड़ी में, किडनी में, लीवर में, हार्ट में इन्फेक्शन पैदा करेंगे, और बहुत सारे हार्ट अटैक का कारण ये पेरियोडोंटाइटिस है। तो इसलिए बहुत खतरा है। लेकिन होता क्या है, अगर किसी डायबिटीज मरीज के मुंह में इन्फेक्शन है, पायरिया है, वो खुद को उसको पता नहीं चलता है, उसके सामने वाला व्यक्ति जब बात करता है खड़ा होकर, उसका इतना बदबू आता है, मुंह फट जाता है, पूरा नाक बंद कर देगा, कैसे भागूं कहेगा, लेकिन उसको खुद को पता नहीं। जैसे किसी मंदिर में आप जाते हो, मंदिर में जो मुखशाला है, पहला ही इतना गंदा, इतना डटी है कि आपको वहाँ खड़े नहीं हो पाते हो, तो आपको कैसा लगेगा, अंदर जाके मूर्ति का दर्शन करेंगे, कहेंगे छी ये मुखशाला ही ऐसा है, तो अंदर क्या होगा, नहीं जाना है मुझे। इसी प्रकार कोई मरीज हमारे पास जब आता है, तो उसके मुँह से ही हम परख लेते हैं उसकी स्वास्थ्य की हाल चाल क्या है, मतलब मुंह से ही इतने बदबू मारता है तो उसका हेल्थ क्या होगा, आप हम समझ जाते हैं। तो आपको हर 6 महीने में कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, अपना डेंटल हाइजीन चेक कराना जरूरी है, डेंटिस्ट के पास जाके चेक कराओ। कोई बिगिनिंग स्टेज में है तो वो कोई फिलिंग कर देंगे, कुछ कर देंगे, आपको पता नहीं चलता है, कुछ जब टू लेट हो जाता है, पेन होना शुरू होता है, इट इज़ टू लेट। तो हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके चेक कराना आवश्यक है। और सबसे बढ़िया गोल्डन प्रिंसिपल है, अगर डेंटल हाइजीन चाहते हो तो कुछ भी खाने के बाद तुरंत ही मुंह कुला कर देना चाहिए। खाने के बाद तुरंत मुंह लियो, अच्छी तरह से कुला करके, रिंज करके मुंह साफ कर दो। लेकिन कोई करता नहीं है, क्यों? क्योंकि आफ्टर टेस्ट चाहिए। बहुत बहुत टेस्टी कुछ खा लिया और तुरंत जाके मुंह कुला कर दिया तो गया सब। थोड़े समय तक करते रहेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा ना, तुरंत मुंह धो लिया तो गया, लेकिन नहीं करना है, तो जाके डेंटल हाइजीन ठीक रहेगा। रात को तो खाने के बाद जरूर ब्रश करना है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स थोड़ा भी अंदर रह जाता है, रात भर जब सोते हो कितने घंटे तक बिल्कुल जर्म्स के लिए मौका मिलता है प्रोलिफरेट होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, तो सोने से पहले जरूर ब्रश करना। लेकिन ब्रश लोग यूं 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 कर देंगे, एक मिनट भी नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाके पूछिए ब्रश कैसे करना होता है, सही तरीका बताएंगे। आपका फ्रंट सरफेस को ऐसे 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 अच्छी तरह से साफ करना है, अंदर का सरफेस ऐसे, अंदर का ऐसा,
ये पूरा अंदर का ऐसा अच्छी तरह से हर सरफेस को साफ करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा दांत है, मान लीजिए जो ऐसे ये एक दांत, ये एक दांत, ये एक दांत, ऐसे मैं ऐसे 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 रगड़ता रहूँगा तो ये बीच का कैसे साफ होगा? कभी साफ नहीं होगा। इसको ऊपर नीचे साफ करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर नीचे, तो ही जाके ये साफ होगा। तो इसलिए आपको डेंटिस्ट बताएंगे सही तरीका ब्रश करने का विधि क्या है। मैक्सिमम भाई बहनों को आता नहीं, कई लोग तो दांतून करते हैं, कहे दंत मंजन करते हैं, दंत मंजन साफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करने से कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो डेंटल हाइजीन से हम समझ जाते हैं इनका स्वास्थ्य की हालचाल क्या है। तो दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर जाता है आंतड़ी में, सालों तक ठीक नहीं होता, ऐसे हालत हो जाती है लोगों की। इस प्रकार जब हमारे ब्रेन में नसें ब्लॉक हो जाती है, देखिए क्या होता है, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती है, ऊपर देखिए हार्ट अटैक हो जाता है। जो आप मक्खन बटर खाते हो ना, वो सब जमता है उधर जाके, नस में ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आपके कोलेस्ट्रॉल, ये सब पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जो स्मोकिंग करते हैं, टबाको लेते हैं, बी केयरफुल, 100% डेथ होगा, मैं बता रहा हूँ, 100% डेथ हार्ट अटैक होके। डायबिटिक लाइफ में तो ये सब छूना ही नहीं है, बहुत डेंजरस है। और रेगुलर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, खान पान संतुलन रखने की आवश्यकता है। आपको एक इस चित्र से आपको क्लियर समझा रहा हूँ। देखिए हार्ट के कई प्रकार के नसें हैं, ये साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी लिखा है, देखिए राइट साइड का नस है, राइट हार्ट का ही नस है। इसमें मान लीजिए ब्लॉक हो गया, इस एरिया में ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, क्या होगा? अगर नस अधूरा ब्लॉक है, पार्शियल ब्लॉक है, 70% से ज़्यादा ब्लॉक है, तो चेस्ट पेन होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को चेस्ट पेन होता है तो समझ जाता है मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज पेशेंट को, मैक्सिमम लोगों को कुछ पेन नहीं होता है, कुछ पेन नहीं होता है, इसलिए लापरवाही और एक दिन सडन कोलैप्स सीधा। तो इसलिए जब ब्लॉक होता है, अगर पार्शियल ब्लॉक है तो चेस्ट पेन हो सकता है कईयों को, लेकिन जब फुल ब्लॉक हो जाता है, देखिए एकदम ब्लॉक हो गया, तो ये एरिया काला हो गया, देखिए नीचे हार्ट का राइट साइड में काला हो गया, सड़ जाता है बिल्कुल एकदम, उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, आदमी मर जाता है, मेजोरिटी लोग मर जाते हैं। तुरंत डायग्नोसिस हुआ, जाके बाईपास सर्जरी किया, कुछ किया तो तुरंत बच सकता है, नहीं तो मेजोरिटी मर जाते हैं। तो जो हम भी मक्खन बटर जो खाते हैं, मैं क्यों मना कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, आप कहेंगे कहाँ से डॉक्टर साहब आए ये सब कह रहे हैं, हमारे दादे परदादे नाना नानी तो इतने इतने खाते थे, मक्खन घी डेली खाते थे, कुछ नहीं होता था, हमको मना कर रहे हैं। हम तो देसी घी खाते हैं, देसी घी, अरे घी देसी हो या विदेशी हो, घी तो घी है। आप कहेंगे विदेशी आग लेके आया हूँ, नहीं जलेगा मेरा कुछ, देसी आग से जलता है और विदेशी आग से नहीं जलता, ऐसा कुछ होता है क्या? तो आपके दादे परदादे खाते थे, क्यों हजम करते थे, क्यों इतना मेहनत करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, खेती बाड़ी करते थे, सब कुछ करते थे, धूप में जाते थे, पिघल जाता था। आप तो घर से निकलेंगे नहीं, एयर कंडीशन चाहिए सब, कार में भी मोटर में भी सब, चारों तरफ कैसे पिघलेगा? मेहनत करेंगे खाओ, मना नहीं, लेकिन मेहनत भी नहीं करना है, खाते रहना है। जो एटमोस्फेयर के एयर में जम जाएगा, अंदर भी जाके जम जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा सारा, बी केयरफुल। ये सब कम खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार फुट अल्सर, जिसको न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव में चलते चलते देखना एकदम पाँव सुन्न हो जाएगा, तो ऐसे घाव हो जाता है एक बार तो सालों तक ठीक नहीं होता है, क्योंकि सारे बॉडी का वेट ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे ठीक होगा, उसके ऊपर प्रेशर है। इस प्रकार देखिए ऐसे ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है तो पूरा उंगली देखो काला हो गया, काटना पड़ता है, गैंग्रीन हो जाता है, डिफर्मिटीज हो जाती है, ऐसे देखिए डिफर्मिटीज हो जाती है, कैलोसिटीज हो जाती है। तो ये सब न्यूरोपैथी के फीचर्स हैं, वास्कुलोपैथी के फीचर्स हैं। तो पाँव में ऐसा एक अल्सर हो जाता है तो जो मोटे हैं देख भी नहीं पाते हैं क्या होता है, तो इसलिए एक मिरर लेके देखना चाहिए, मेरे पैर पैर के नीचे पाँव ठीक है। इस प्रकार ऐसे गांठे हो जाती है, टाइट शूज पहनने से कैलोसिटीज हो जाती है, और इस प्रकार मैं बताया हड्डियाँ बिल्कुल चूर चूर हो जाती है, सार्कोट आर्थ्रोपैथी। अभी अभी PGI चंडीगढ़ से एक पेशेंट आए थे, डॉक्टर एक हैं,
उनके ऐसे पाँव में ऐसा हड्डी पूरा चुरचुर हो गया, सार्कोइड आर्थ्रोपैथी हो गया था, और सेंसेशन बिल्कुल नहीं दोनों पाँव में। ऐसे हालत बात मत पूछिए एक डॉक्टर हो के भी। कहने का मतलब है कि अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं बहुत खतरा है ये बीमारी, बहुत खतरा है, डॉक्टर हो या कोई हो किसको भी नहीं छोड़ेगी। तो कहने का मतलब है, देखिए हमारे पैरों में एक खून सप्लाई करने वाली नली होती है जिसको हम नस कहते हैं, दूसरा होता है जो हमारे सेंसेशन कैरी करने वाले नर्व होते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद वाला नर्व है और जो रेड कलर वाला वो खून की नलियाँ है। जो ये खून की नलियाँ जब ब्लॉक हो जाती है उसको हम कहते हैं वास्कुलोपैथी, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ऊपर दिखा रहे हैं, और नीचे जो सफ़ेद सफ़ेद नस है वो जब ब्लॉक हो जाती है न्यूरोपैथी कहते हैं, उसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है तो ठीक से काम करना नहीं छोड़ देते हैं तो उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। जब न्यूरोपैथी हो जाती है, देखिए ये पाँव में कैसे ऐसे घाव हो जाता है, सेंसेशन नहीं रहता है, चलते समय उसमें इंजुरी हो गई, कुछ हो गया, खिल भी घुस गई, पता ही नहीं चलेगा, तो इसको न्यूरोपैथी हम कहते हैं। अल्सर हो जाता है, सालों तक ठीक नहीं होता है, लेकिन अगर ऊपर ऐसे नस ब्लॉक हो गए, जो खून की नलियाँ अगर ब्लॉक हो गई तो देखो ऐसे काला काला होकर सड़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल गैंग्रीन हो जाता है, फिर काटना पड़ता है पाँव। एक नॉर्मल व्यक्ति, देखिए नॉर्मल व्यक्ति का ऐसे नसें जो होती हैं पूरा एकदम क्लीन है, उसमें खून की सप्लाई देखो कितना क्लियर है, और ये साइड में जो देख रहे हो आप, देखिए वहाँ जो येलो कलर का देख रहे हो ये सब वहाँ चर्बी जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, जितने खून सप्लाई होना चाहिए नहीं हो पाता है, वो एरिया देखिए ब्लॉकेज है, जिसके कारण फिर क्या होता है, जिसके ऐसे खून की नलियाँ अगर ब्लॉक हो जाती है तो पैरों में बहुत पेन होगा, आप जरा सा चलेंगे काफ मसल्स में एकदम पेन होगा, बैठ जाएंगे अच्छा लगेगा, फिर चलना शुरू करेंगे फिर पेन होगा। समझ जाइए आपके खून सप्लाई ठीक नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं ऐसा होता है तो हमारे पास एक मशीन है जिसको डॉपलर मशीन कहते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कहीं ब्लॉकेज है तो पता चल जाता है, तो मशीन से पता करके डायग्नोसिस करके फिर इलाज करते हैं, सही ट्रीटमेंट करते हैं। इस चित्र में आप देखिए एक व्यक्ति का, देखिए इमिड थाई में ब्लॉकेज है, वहाँ जो नली है नस है ब्लॉक है, ये जो येलो कलर का देख रहे हो ये सब कोलेस्ट्रॉल जमा होकर ब्लॉक हो गया है। जब ब्लॉक हो जाएगा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा। ये पेशेंट का फोटो निकाला है, ये व्यक्ति का देखो पाँव एकदम काला होकर सड़ गया, बिल्कुल यहाँ से काटना पड़ा, नी के जॉइंट से नीचे काटना पड़ा, तो बहुत खतरा है। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा सा फोड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा फोड़ा नहीं हुआ है, अंदर अंदर कहाँ तक एकदम इन्फेक्शन फैल गया था, इस व्यक्ति को भी यहाँ से काटना पड़ा, इस व्यक्ति भी अपना पाँव गंवाया। तो डायबिटीज़ में देखिए प्रॉब्लम यही है, कभी कभी हमें एम्पुटेशन करना पड़ता है, काट देना पड़ता है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए बहुत खतरा है। इस प्रकार कईयों के ऐसे पैरों में क्रैक्स देखते हैं, अभी भी मैं चेक करूंगा, यहाँ बहुत माताओं की तो मेजॉरिटी ऐसे फटे हुए मिलेंगे, ये जर्म्स के लिए दरवाजा है, अंदर जर्म्स घुसेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, पैर कटाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ वेरी डेंजरस। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक कर्नाटक से एक रिटायर्ड ऑफिसर नॉर्थ इंडिया घूमते घूमते दिल्ली आगरा होते होते आबू रोड पहुँचे, एक क्लास वन ऑफिसर हैं रिटायर्ड डायबिटिक, आगरा देखने गए ताजमहल नंगे पाँव में, घूम फिर के जब आबू रोड पहुँचे एक डॉक्टर मुझे फ़ोन करती है कि डॉक्टर साहब एक पेशेंट है, उसका शुगर 350-400 करीब है और उसके पैर लाल लाल दिख रहा है। मैं बोला कि तुरंत भेजो उनको। दूसरे दिन जब आए मैं देखता हूँ पाँव यहाँ तक लाल हो गया है, तीसरे दिन तक यहाँ तक लाल हो गया, मैं उनको एकदम हाईएस्ट एंटीबायोटिक दे के आईसीयू में दाखिल करके बहुत मुश्किल से उसका जान बचाया। मैं आपको बता रहा हूँ पैसा भी जाएगा जान भी जाएगा, वेरी डेंजरस। तो पैर ऐसा नहीं फटना चाहिए। डायबिटीज में ड्राई स्किन हो जाता है, मेजोरिटी का स्किन ड्राई हो जाता है, और जो नंगे पाँव में चलते हैं
ऐसा फटेगा है 100%। आपको सॉक्स पहनने की आवश्यकता है, घर में भी चप्पल पहनने की आवश्यकता है, लेकिन वो हवाई चप्पल नहीं, जो दो ऐसा फीता वाला, वो हवाई चप्पल नहीं, वो बाथरूम स्लीपर है, खाली बाथरूम के लिए ठीक है। आप घर में भी वेलक्रो वाला, सामने ऐसा वेलक्रो लगेगा, पीछे साइड में अगर पट्टा हो तो ठीक है, बैक स्ट्रैप भी हो, एकदम सॉफ्ट मुलायम चप्पल पहनना जरूरी है। आपका चप्पल का साइज आपके पैरों से बड़ा होना चाहिए, ना कि आधी उंगलियां बाहर आधी एड़ी बाहर, इतनी पतली पतली, इतने एकदम प्लास्टिक का, इतने मोटे मोटे, बिल्कुल नहीं, फेंकना है बिल्कुल। सॉफ्ट मुलायम चप्पल पहनिए। घर से बाहर निकलते हो तो जूता, घर से बाहर निकलते ही जूता पहनना है। और जूता बताया, आजकल कैनवास मिलता है माताओं के लिए, लेस अगर बांधना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाफ शूज भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल वाला मिलता है कैनवास का, लीजिए। लेकिन बाहर निकलते हो तो जूता पहनना है, आपको पांव ठीक रहेंगे, सही सलामत। अगर स्पोर्ट शूज पहनते हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्पोर्ट शूज पहनना चाहिए। और आपके सॉक्स हमेशा लाइट कलर का होना चाहिए, लाइट कलर, लाइट कलर के सॉक्स पहनेंगे तो कहीं भी पांव में कुछ होता है तो उसमें स्टेन होगा, कुछ होगा तो देख पाएंगे। लेकिन बहुत मरीज होते हैं, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब गंदा हो जाता है ना, इसलिए हम काले मोजे पहनते हैं, डार्क कलर का पहनते हैं। डार्क कलर वाला गंदा नहीं होता है, नहीं होता है, गंदा होता है, नहीं होता है, होता है, होता क्यों नहीं है, दिखता नहीं है, मैं देखा हूं प्रैक्टिकली, इसलिए बता रहा हूं। कई ऐसे लोग हैं मोजा को सीधा पहनेंगे 7 दिन, फिर उसको उल्टा करके 7 दिन पहनते हैं, और जैसे उनका जूता खुलेंगे ना, वहां मनुष्य तो क्या कुत्ता भी होगा तो भाग जाएगा वहां से, इतना बदबू मारता है। कभी ऐसा नहीं करना है। आपका सॉक्स डेली धोने की आवश्यकता है, डेली धोना है। और सफेद कलर इसलिए कह रहा हूं कि आपके पांव में कहीं खरोच है, कुछ है, कुछ तो स्टेन होगा तो पता चलेगा आपको। और कॉटन का सॉक्स पहनिए, बहुत टाइट, एकदम बिल्कुल एकदम निशान हो जाए ऐसा नहीं, सॉफ्ट कॉटन सॉक्स पहनिए। और जूता भी कंफर्टेबल होना चाहिए। जूता पहनने से पहले हाथ अंदर डालिए, देखिए वहां कंकड़ पत्थर तो नहीं है, घर में लोग बच्चे कुछ भी डाल देंगे, नहीं। और पैर के चेक कीजिए, ऐसा अगर फटा हुआ है तो आजकल कई प्रकार के आते हैं, वो स्क्रबर आते हैं, एमरी पत्थर भी आता है, वो आपको घिस के साफ करना है, पानी में थोड़े समय तक गीला करेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से घिसाई करके, जो कपड़े ये करते ना घिसाई करके साफ करो। और पेट्रोलियम जेली बाजार में मिलता है, आपको भी मेडिसिन स्टोर में भी मिलेगा, कभी कभी हार्डवेयर स्टोर में भी रखते हैं, केन आता है, बहुत सस्ता है, वो वैसलीन ही है, उसमें खाली खुशबू नहीं है, ये सारे बाहर से जो वैसलीन नाम से मिलता है उसमें थोड़ा सा खुशबू डाल देते हैं और आपसे 10 गुना रेट ले लेते हैं। पेट्रोलियम जेली आता है, डेली रात को सोने से पहले अच्छी तरह से पाँव में पूरा मालिश करके लगाइए, सोइए। सवेरे नहाने के बाद भी, ज़्यादा फटा है तो सवेरे नहाने के बाद भी लगाइए। सारे जिसका पूरा ड्राई स्किन है, होल बॉडी में भी मसाज कर सकते हो, बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा आपका स्किन, देखना बहुत अच्छा लगेगा। होल बॉडी में भी मसाज कर सकते हो, कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब क्या तेल लगाने से नहीं चलेगा, नारियल तेल कि सरसों का तेल, तिल का तेल लगाते हैं लोग। मैं कहता हूँ लगाओ भले, वो भी अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे भारतवर्ष में चूहों का कोई कमी नहीं है। आप अगर रात को सोए हो, नारियल तेल लगा के, मूंगफली का तेल लगा के, उस खुशबू लेके चूहा आएगा रात को, और आके रात को एक उंगली खा के चला जाएगा, सवेरे देखेंगे तो लाल 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 पूरा खून में, बी केयरफुल। इसलिए नहीं, मैं मना करता हूँ, तेल फेल नहीं लगाना है, पेट्रोलियम जेली रखो, लगाओ अच्छी तरह से, ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फटना नहीं चाहिए एड़ी। जो नंगे पाँव में चलते हैं उनका फटेगा जरूर, फटेगा पक्का, अभी भी नहीं, आप खुद चेक कीजिए, देखिए अपने पाँव। और साथ में ऐसे गांठे भी नहीं होनी चाहिए, जो पालती मार के लंबे समय तक बैठते हैं, नीचे कुछ कुशन की कुछ ऐसा सॉफ्ट कुछ नहीं रखते हैं, सेठ लोग अक्सर करके दुकान में जो बैठते हैं लंबे समय तक, सारे शरीर का प्रेशर देके ऐसे गांठे हो जाते हैं, और डायबिटीज पेशेंट को ऐसे गांठे हो गई तो अंदर अल्सर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर
सड़ जाता है, देखो ये उंगली कैसे हो गया है काला काला, फिर सड़ जाता है, काटना पड़ता है उंगली, वेरी डेंजरस। आपके ऐसे गांठे हैं, कैलोसिटीज है, तो उसको डिब्राइड करना पड़ता है। आप कभी भी कॉर्न कैप नहीं लगाना, वेरी डेंजरस। आपको बहुत लोग एडवाइस देंगे कॉर्न कैप लगा दो, बिल्कुल नहीं, उसमें सेलिसिलिक एसिड है, चर लेगा स्किन को, अल्सर हो जाएगा, भरेगा नहीं, बहुत डेंजरस। कुछ भी करने बैठिए आप, खुद कर बैठेंगे प्रॉब्लम होगा, नहीं करना है, डिब्राइड करना पड़ता है। ये स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस है, देखो कहाँ कहाँ तक पूरा कैसा हो जाता है, चमड़ी सड़ जाती है बिल्कुल, एकदम ऐसा हालत हो जाता है कि बात मत पूछिए। लाखों रुपया का हायर एंटीबायोटिक देने के बाद भी बचा नहीं सकते हैं, डेथ हो जाता है लोगों का। ये चित्र में आप क्या देख रहे हो, इस फोटो में क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? एक आदमी देखिए, बूढ़ा बाबा क्या करा रहा है, उसके पैरों का चेकिंग करा रहा है, काला काला हो गया है, और एक भाई उसका फुट केयर कर रहा है, उसको पोडियाट्रिशियन कहते हैं, फुट केयर कर रहा है, ठीक है ना? नहीं, लेकिन वो दूसरा पैर देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो नी की जॉइंट के नीचे क्या है, वो ऑलरेडी कट चुका है, आर्टिफिशियल जयपुर फुट लगा हुआ है। डायबिटीज मरीज किसी ना किसी कारण से, गलती से अगर कहीं एक पैर कट गया, बी केयरफुल, दूसरे पांव कटने के लिए कोई देर नहीं लगती है, 2-3 साल में कटेगा ही, 100% कटेगा ही, वेरी डेंजरस, सेव योर लिम्स, नहीं तो सारा जिंदगी भर ऐसे व्हील चेयर में बिताना पड़ेगा दोस्तों, बहुत डेंजरस। मैं जब देखता हूँ बहुत दुख लगता है, छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी गलती में आप उतरो, कितने लोग ऐसे पांव गंवाते हैं, वेरी डेंजरस। आप अपने में कहूँगा, आप जितने बार अपना फेस देखते हो मिरर में, उसका 10 गुना अपना पैर का देखो, पैर देखो, आपके पैर तो गुरुओं के चरण जैसा होना चाहिए, जैसे गुरुओं का चरण लोग धुलाई करके पानी पी जाते हैं, आपका पैर को कोई धुलाई करके पी जाए, इतना साफ सुथरा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए पैर। आपके नाखून भी कैसे काटना है, क्या काटना है, नाखून कभी भी अंदर तक नहीं काटना है, सीधा काटना होता है, थोड़ा सा बड़ा रहे तो चलेगा, साइड में आपको फाइल कर दीजिएगा, घिस दीजिए, लेकिन अंदर तक कभी नहीं काटना है। नाखून काटते समय कहीं भी चोट लग गया, कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बहुत डेंजरस है।